वॉइस क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है। तो यस सर। ऐसे लिगैंड गेटेड आयन चैनल हमारे बॉडी में कितने हैं? टोटल 5 हैं, जो मेनली काम करता है निकोटिन को सेंस करने वाले, गाबा नाम के केमिकल को सेंस करने वाले, ग्लाइसिन को सेंस करने वाले, ग्लूटामेट को सेंस करने वाले एंड सेरोटोनिन नाम के केमिकल को सेंस करने वाले। सेरोटोनिन इज ऑल्सो कॉल्ड एज 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन, दैट इज 5-HT, और इसके टोटल अलग अलग रिसेप्टर्स हैं। 5-HT1, 2, 3, 14 रिसेप्टर्स है। तो इसमें से जो 5-HT3 वाला जो है ना, वो आइनोट्रॉपिक में आता है, और बाकी के सब लोग GPCR कैटेगरी में आते हैं, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर कैटेगरी में। तो वो अब हम GPCR में पढ़ने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए ये था आपका आयन चैनल रिसेप्टर। चलो इसके बाद क्या है, देखो ऐसा आपका आयन चैनल रिसेप्टर दिखता है। तो इसका एक टॉप व्यू है, एक ओपन व्यू है और एक क्लोज व्यू है। थोड़ा मार्क कर लेता हूँ, जिनको क्वेश्चन पूछने हैं थोड़ा रुको, मैं ले लेता हूँ क्वेश्चन आंसर सेशन। अभिषेक होल्ड ऑन। हाँ, दिस इज योर टॉप व्यू ऑफ द रिसेप्टर। ये ऊपर से कुछ ऐसा दिखता है, उसके कुछ सब टाइप्स होते हैं, अल्फा बीटा गामा। जब ये ओपन है ना, तो ये चैनल आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। तो यहाँ से आयंस अंदर आ सकते हैं, और जब ये क्लोज होता है तो ये कुछ ऐसे दिखेगा। ठीक है, तो जब तक यहाँ पे ये जो साइट है, चलो नीचे देखते हैं। दिस इज योर मैसेंजर, मतलब ड्रग मॉलिक्यूल, आइदर इट इज एंडोजिनस और एक्सोजिनस, आपके बॉडी का केमिकल या जो बॉडी से आप बाहर से ले रहे हो वो। तो ये आपकी केमिकल को रिकॉग्नाइज करने वाली साइट है, जहां पे ड्रग मॉलिक्यूल जब बाइंड होता है तो वो चैनल को एक तो ओपन करता है या वो क्लोज भी कर सकता है, डिपेंड्स। अभी हम बात कर रहे ओपनिंग की। तो जैसे ही ये मैसेंजर मॉलिक्यूल इस चैनल के साथ इंटरेक्ट करेगा, ये चैनल ओपन हो जाएगा और इसके थ्रू आयंस अंदर आ सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन चैनल्स है जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। सोडियम आयंस का एब्जॉर्प्शन करने वाले चैनल, जिनको हम बोलते हैं सोडियम चैनल। पोटेशियम को एब्जॉर्ब करने वाले पोटेशियम चैनल, कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने वाले कैल्शियम चैनल एंड क्लोराइड को एब्जॉर्ब करने वाले क्लोराइड चैनल। तो ये मेन 4 चैनल्स है जो हमारे बॉडी का मेन फिजियोलॉजिकल फंक्शन कैरी आउट करते हैं। देयर लोकेशन, मेनली दे आर लोकेशन लोकेटेड ऑन डेंड्राइट्स। तो ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहे हैं ना आपको, यहाँ पे ये चैनल मेनली प्रेजेंट होता है। और इस तरह से कुछ दिखते हैं कि जब ये चैनल ओपन है सोडियम, तो यहाँ से सोडियम अंदर आएगा। ये कैल्शियम का है तो कैल्शियम अंदर आ सकता है। अब ये पोटेशियम का है, बाहर भी जा सकता है। ये क्लोराइड वाला है, अल्कोहल वाला जो केस मैंने बोला था ना, ये है वो। और ये सारे कहाँ पे प्रेजेंट है, ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है यहाँ पे ये सारे प्रेजेंट होते हैं। तो दीज आर दी कॉमन स्ट्रक्चर्स। हाँ, ये जो कैल्शियम वाला होता है ना, ये सिर्फ आपके एक्सॉन टर्मिनल के ऊपर प्रेजेंट होगा। इसका भी एक रीजन है, वो आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। एंड बाकी के जो है सोडियम पोटेशियम क्लोराइड, ये आपको डेंड्राइट्स के ऊपर दिखेंगे। सिर्फ कैल्शियम का आपको एक्सॉनिक टर्मिनल के ऊपर दिखता है। तो सोडियम एंड पोटेशियम चैनल, इनका काम क्या है, एक्शन पोटेंशियल को ट्रांसफर करना। अभी एक्शन पोटेंशियल क्या है, न्यूरॉन की जो बॉडी होती है, तो पूरे बॉडी के ऊपर जो सिग्नल का ट्रांसमिशन होगा, इंपल्स एक लोकेशन के दूसरी लोकेशन तक ट्रेवल करेगा। इसके लिए हमें सोडियम चैनल एंड पोटेशियम चैनल मदद करता है। क्लोराइड चैनल किसके लिए मदद करेगा, हाइपर पोलराइजेशन, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन किया था अल्कोहल की केस। एंड कैल्शियम चैनल आपको न्यूरो ट्रांसमिशन के लिए मदद करेगा। तो लास्ट का कॉन्सेप्ट हम देखेंगे और यहीं पे रुकेंगे, न्यूरो ट्रांसमिशन। यह है न्यूरॉन नंबर 1, यह है न्यूरॉन नंबर 2। एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से फिजिकली कनेक्टेड नहीं है, बट वो केमिकली कनेक्टेड है। तो जब आप इस न्यूरॉन के हेड को टच करोगे यहां से, तो ये न्यूरॉन ये दूसरे इंफॉर्मेशन को, दूसरे न्यूरॉन को ये इंफॉर्मेशन दे देता है कि किसी ने तो मुझे टच किया है। तो ये कैसे पॉसिबल है, सिंपली पहला वाला न्यूरॉन कुछ केमिकल्स यहाँ पे रिलीज करेगा, जो केमिकल्स दूसरे वाले न्यूरॉन को जाके टच करेंगे, और फिर दूसरा वाला न्यूरॉन महसूस कर पाता है कि कुछ तो इंफॉर्मेशन है जो पहले वाले न्यूरॉन ने दी है। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूरो ट्रांसमिशन, ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनादर न्यूरॉन विद द हेल्प ऑफ केमिकल, दैट इज कॉल्ड एज न्यूरो ट्रांसमिशन। और ये जो केमिकल है, इसका नाम होता है न्यूरो ट्रांसमीटर, न्यूरो ट्रांसमीटर, द केमिकल विच कनेक्ट्स टू न्यूरोन टूगेदर। एंड इस जंक्शन को हम क्या बोलते हैं,
पता है क्या किसी को? एक न्यूरॉन जब दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट करता है तो उस जंक्शन साइनेप्स, यस इट इज सिनेप्स। साइनेप्स और सिनेप्स। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मुझे वो नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हो, क्योंकि आपका अगले 1 मिनट में दूसरा लेक्चर है। राइट राइट ठीक है, फिर हम यहीं पे रुकते हैं। क्वेश्चन आंसर सेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे। फाइन सर 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 एक सर, विचार छोटू सर, बोल बोल बोल। सर ते रेमेडियल बायोलॉजी से काय होतत ना सर? रेमेडियल बायोलॉजी से टीचर अपॉइंट होत आहेत। रिलॅक्स, तुम्हाला त्याचे सगळे नोटिफिकेशन मिळतील। सध्या तरी तुम्ही एचपी मध्ये जे शिकताय त्याच्यातला बराचसा पार्ट तुमच्या रेमेडियल बायोलॉजी मध्ये असणार आहे। हाँ सर, ओके रिलॅक्स, सर, ठीक है। चलो सेकंड लेक्चर है आपका, अटेंड करो। बाय, थैंक यू सर, वेलकम। बाय सर।